Hey everyone, welcome back. ये वांगक्षियान फैन फिक्शन है. इस माफिया इन लव ये एक वन शॉट FF है. तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं. हम लोग वीन को देखते हैं जो कि कॉलेज के लिए लेट हो रहा था. उसके एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में मिल्क शेक होता है और वह भागते हुए कॉलेज जाता है. जब वीन जा रहा होता है वह एक पर्सन से टकरा जाता है और उसका मिल्क शेक थोड़ा सा उस पर्सन के कपड़ों पर गिर जाता है. ये देख कर वीन घबरा जाता है कि आखिर उससे ये सब हो क्या गया. वीन सॉरी बोलता है और उसे ऐसा लगता है कि उस पर्सन ने कुछ कहा है, लेकिन वीन को समझ नहीं आता. वीन उस पर्सन की तरफ देखता है. उसने मास्क पहन रखा था और उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी. लेकिन वीन फिर से माफ़ी मांगता है, मैंने ध्यान नहीं दिया. लेकिन वह पर्सन कुछ भी नहीं बोलता. वीन फिर से उसकी तरफ देखता है और अब की बार वीन को उसकी आंखें ठीक से दिखाई देती हैं. इस मास्क में भी वीन को समझ आता है कि पर्सन काफ़ी हैंडसम है और उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं. वीन दोबारा से सॉरी बोलता है और अब की बार वह पर्सन बोलता है, कोई बात नहीं. वीन बोलता है सच और वह पर्सन हाँ में सर हिलाता है और वीन उसकी तरफ स्माइल कर दिखाता है. ये देख कर तो मानो उस पर्सन की सांसें रुक ही जाती हैं. वह और कोई नहीं बल्कि वांगक्षी था. वांगक्षी सोचता है कि कोई उसकी तरफ स्माइल कैसे कर सकता है जबकि लोग उसकी तरफ डर कर देखते हैं या फिर नफ़रत की नज़र से. लेकिन वीन की स्माइल सच में ऐसी थी जो किसी का भी दिल चुरा सकती थी. वांगक्षी को लगता है कि शायद इसने मुझे पहचाना नहीं है. वह अपने मास्क को उतारता है और वीन की तरफ देखता है. उसका चेहरा अभी भी वैसे एक्सप्रेशनलेस होता है, लेकिन उसका पूरा फेस देखने के बाद भी वीन के चेहरे पर स्माइल वैसे ही रहती है. वीन फिर से बोलता है, सॉरी मेरी वजह से आपके कपड़े ख़राब हो गए. और वह टाइम देखता है, लेकिन मुझे जल्दी जाना होगा वरना आज मुझे क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी. और वह जल्दी से वहाँ से भागते हुए जाता है और वांगक्षी उसी डायरेक्शन में देख रहा था जिधर वीन गया. वांगक्षी के मास्क उतारने पर भी वीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि उसे नहीं पता कि आखिर वांगक्षी कौन है. वांगक्षी पर्सन को कॉल करता है और उसे वीन की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है. इसके बाद वांगक्षी अपने वर्क पर जाता है. वांगक्षी अपने ऑफिस में होता है और एक फाइल को पढ़ रहा होता है और इसमें किसी और की नहीं बल्कि वीन की ये जानकारी होती है. इसे देख कर वांगक्षी के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आती है. वांगक्षी सोचता है, तुम जल्द ही मेरे बनोगे. तभी वहाँ पर शुयंग की एंट्री होती है. वह देखता है कि वांगक्षी बड़े ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं. शुयंग उसके हाथ से उस फाइल को लेता है और वांगक्षी शुयंग की तरफ गुस्से में देखता है. शुयंग बोलता है, क्या, मैं तो बस देख रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसे पढ़ने में तुम इतना खो गए हो. क्या आखिर ऐसा क्या है. शुयंग बोलता है, ये कौन है. लेकिन वांगक्षी उसके हाथ से उस फाइल को ले लेता है. शुयंग बोलता है, लेकिन ये क्यों लग रहा है. और वांगक्षी शुयंग की तरफ गुस्से में देखता है और शुयंग हंसते हुए वांगक्षी के फेस को देखता है. सीरियसली, मेरे पास मेरा शासन चिन्ह है जिससे मैं प्यार जता सकता हूँ. मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ये क्यूट है. और फिर से वांगक्षी शुयंग की तरफ गुस्से में देखता है और शुयंग फिर से वांगक्षी के ऐसे रिएक्शन पर हंस कर दिखाते हैं. वांगक्षी घर जाता है जहाँ पर पहले से ही उसके आदमियों ने वीन को किडनैप कर लिया है. वांगक्षी घर जाता है. उसके आदमियों ने वीन को एक रूम में रखा था. वांगक्षी ने कहा था कि वह वीन का अच्छे से ध्यान रखे. लेकिन जैसे ही वीन रूम में एंट्री करता है वह देखता है कि वीन के हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके मुंह पर टेप लगी हुई है, जिसे देखकर वांगक्षी हैरान हो जाता है. वांगक्षी ने बोला था ना कि उसका अच्छे से ध्यान रखना, तो उसके आदमियों ने वही समझा कि आखिर एक माफिया की लैंग्वेज में अच्छे से ध्यान रखने का क्या ही मतलब हो सकता है. वांगक्षी जल्दी से वीन की तरफ जाता है, उसके मुंह से टेप हटाता है और उसके हाथ पैर खोलता है. वीन के हाथ कसकर बांधने की वजह से उसके हाथ पर निशान पड़ चुके थे और उसके पैर मानो नम हो चुके थे. वीन वांगक्षी की तरफ देखता है और वह समझ जाता है, यह तो वही पर्सन है जिससे आज सुबह वह कॉलेज जाते वक्त टकराया था. वीन वांगक्षी की तरफ देखता है, हे, वो गलती से गिरा था और इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं हुई थी. और वह अपने हाथों को देखता है जहाँ पर निशान पड़ गए थे और वह दर्द कर रहे थे. वीन फिर से बोलता है, गलती से गिरा था यार. अब वांगक्षी को समझ नहीं आता कि आखिर वह कैसे बात करे. वांगक्षी को सॉफ्ट वॉइस में और आराम से वीन से बात करनी थी. वह गहरी सांस लेता है, वीन का हाथ पकड़ता है क्योंकि वीन पीछे होने वाला होता है
और उसे वहीं पर रोकता है। विंग वांगशी की तरफ देखता है। वांगशी फिर से गहरी सांस लेता है, विंग की आंखों में देखता है और कोल्ड वॉइस में विंग से बोलता है, मुझसे शादी करो। ये सुनते ही विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं कि क्या उसने कुछ गलत सुन लिया। विंग बोलता, क्या पागल हो गए हो? लेकिन वांगशी कोई आंसर नहीं करता। वांगशी सिर्फ विंग को देख रहा था कि मानो उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं है। विंग बोलता है, पागल मत बनो। लेकिन ये सुनते ही वांगशी को गुस्सा आ जाता है और वह टाइटली विंग के हाथ को प्रेस करता है, जिससे विंग एकदम से पेन में फ्लिंच हो जाता है। जब वांगशी देखता है कि विंग को पेन हो रहा है, वह उसके हाथ को छोड़ देता है और इसके बाद उसकी नज़र उन निशान पर जाती है जो कि विंग के हाथ पर थे। इसके बाद वांगशी मेडिसिन लाता है और विंग के पास फेंकता है। विंग थोड़ा सा पीछे होने वाला होता है, लेकिन वांगशी उसका हाथ पकड़ लेता है और बड़े ही जेंटल तरीके से उसके हाथ पर मेडिसिन अप्लाई करता है। और विंग बिना कुछ बोले वांगशी को वो करने दे रहा था जो वो करना चाह रहा था। वांगशी बोलता है, फैसला कर लो, हाँ या फिर हाँ। विंग वांगशी की तरफ देखता है, ये कैसे ऑप्शन है? और वांगशी विंग की तरफ देख रहा था कि विंग के पास कोई चॉइस ही नहीं है। वांगशी बोलता है, सोच लो, लेकिन टाइम लिमिटेड है। और ये कहकर इसके बाद वांगशी वहाँ से चला जाता है और विंग वहीं पर बस उसी डायरेक्शन में देखता रह जाता है। विंग सोचता है कि ये सब क्या हो गया, उसकी लाइफ एकदम से इतनी कैसे चेंज हो गई, क्या मिल्क शेक किसी की ज़िंदगी ऐसे भी बदल सकता है। इधर शुयंग और वांगशी बात कर रहे थे। शुयंग वांगशी से पूछता है कि क्या रहा, और वांगशी उसे बताता है और शुयंग काफ़ी तेज़ी से हंसने लगता है। वांगशी शुयंग की तरफ गुस्से में देखता है। शुयंग बोलता है, मुझे ऐसे देखना बंद करो, इसके ज़िम्मेदार तुम हो। शुयंग बोलता है, मैंने तुमसे क्या कहा था, मुझे पहले तुमसे कुछ ऐसी उम्मीद थी। मैंने कहा था प्यार से उसका हाथ पकड़ना, प्यार से उसकी आंखों में देखना और प्यार से सॉफ्ट वॉइस में अपने दिल की बात धीरे धीरे से बताना, लेकिन तुमने क्या करा, अलग ही सियप्पा, क्योंकि एक भी चीज़ तुमने वैसे तो नहीं करी जैसे मैंने कहा था, उल्टा उसे डरा और दिया। आंखों में देख के इतनी कॉल वॉइस में कौन बोलता है उससे शादी करूं? इसे प्रपोजल देना नहीं, इसे झटका देना कहते हैं। लेकिन वांगशी अब भी शुयंग को वैसे ही देख रहा था, एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ। शुयंग बोलता है, इसीलिए थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख लो, थोड़ा अच्छे तरीके से। अविंग दो दिनों से वांगशी के घर में रह रहा है। उसका मन करता है कि वह कॉलेज जाए, अपनी पुरानी लाइफ वापस जाए, लेकिन वह क्या ही करे। और वांगशी विंग को अप्रोच करना चाहता था, पहले उसे समझ नहीं आता या फिर वह क्या ही करे, क्योंकि विंग थोड़ा सा उससे डर रहा है। दूसरों से प्यार से बात करना नहीं आता, वह जब भी कुछ बोलता है वह कोल्ड वॉइस में बोलता है और जो बात बोलनी होती है बस उसे ही छोड़ देता है। अब वांगशी ड्रिंक कर रहा होता है, वैसे भी विंग उसके साथ उसके घर में है, जिसे वह अपनी बाहों में लेना चाहता है, उसे टाइटली कसकर गले लगाना चाहता है और उसे अपनी बाहों में ही छुपा लेना चाहता है, जिससे उसके अलावा उसे कोई और ना देख पाए। लेकिन वह क्या ही करे, क्योंकि जब भी वह कुछ करना चाहता है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। विंग अपने रूम में होता है और वह यही सोच रहा होता है कि ये सब उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। अभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और वांगशी आता है, जिसे देखकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं कि आखिर ये यहाँ पर कर क्या रहा है। वांगशी विंग की तरफ बढ़ता है और विंग थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है। वांगशी विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग वांगशी से टकराने ही वाला होता है, लेकिन वह संभाल लेता है खुद को। वांगशी विंग को कमर पर से पकड़ता है और उसे और ज़्यादा अपने नज़दीक खींचता है। विंग देखता है कि वांगशी ड्रंक है और विंग खुद को छुड़ाने का ट्राई करता है, लेकिन वांगशी ऐसा नहीं होने देता। वांगशी विंग को दीवार पर पिन कर देता है और उसके बाद वह विंग की आंखों में देख रहा था। वांगशी के इस तरह से देखने पर विंग कुछ पल के लिए मानो घबराए जाते हैं। विंग को समझ नहीं आता ये सब क्या है। विंग पीछे वांगशी को धक्का देने का ट्राई करता है, लेकिन वांगशी उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। वांगशी ड्रंक था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अब भी काफ़ी थी, और अपने दूसरे हाथ को वह विंग के होठों पर फहराने लगता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। और जिस तरह से वांगशी विंग को देख रहा था,
विंग आगे और चीज़ें इमेजिन भी नहीं करना चाहता था। इसके बाद वांगशी अपने फिंगर को विंग के नेक पर फेराता है। वांगशी विंग की आंखों में देखता है, तुम बहुत खूबसूरत हो सच में, और तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा। और वह अपने हाथ को विंग की शर्ट में अंदर की तरफ ले जाता है और उसके सीने पर फहराने लगता है। इसके बाद वांगशी विंग को किस करने लगता है, लेकिन विंग तो बस हैरानी से ऐसे ही था, वह कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाता। विंग सोचता है कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वांगशी तो सिर्फ उसे एग्रेसिवली किस करने में लगा हुआ है। इसके बाद वांगशी विंग के एकदम सेप्पल को सक करता है, उसके कॉलर बोन को सक करता है, वहाँ पर निशान छोड़ता है, उसके कॉलर बोन पर किसेस करता है, उसकी शर्ट के पूरे बटन खोल देता है और उसके सीने पर बटरफ्लाई किसेस करने लगता है। विंग को सब अच्छा नहीं लग रहा था। विंग वांगशी को रोकना चाहता था, लेकिन उसके हाथ वांगशी ने पकड़ रखे थे और उसके गले से ठीक से आवाज़ नहीं आती। ये मानो उसका गला भारी हो रहा है, उसे समझ नहीं आता वो क्या ही करे। वांगशी दोबारा विंग को किस करता है और अपने हाथ को विंग की पूरी बॉडी पर फहराता है, और उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे ले जाता है। विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद वांगशी को विंग के रोने की आवाज़ आती है। वांगशी अलग होकर विंग को ध्यान से देखते हैं, उसकी आंखों में आंसू थे। विंग ने टाइटली अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वांगशी होश में आता है कि आखिर वह क्या कर रहा था, और वह थोड़ा सा विंग से अलग होता है कि विंग को पाने की डिज़ायर आखिर उसके दिल में कहां तक पहुंच गई कि उसने ये सब कर दिया। विंग ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जो हुआ न उसकी मर्जी थी न उसे पसंद आया, उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। वांगशी विंग की तरफ बढ़ता है। वांगशी अपने बालों को टाइटली पकड़ता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या करे और ये उसने क्या कर दिया। वांगशी विंग से सॉरी बोलता है और जल्दी से रूम से बाहर जाते हैं, और विंग वहीं पर ऐसे ही रह जाते हैं। इसके बाद वांगशी और शू यांग एक साथ होते हैं, और वांगशी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वह हर चीज़ पर गुस्सा कर रहा था, और शू यांग वांगशी की तरफ देख रहा था कि आखिर इसको क्या हो गया है। शू यांग वांगशी से बोलता है, क्या हुआ, लेकिन वांगशी कोई आंसर नहीं करता। शू यांग वांगशी के सेक्रेटरी को बाहर भेजते हैं और वांगशी की तरफ देखते हैं, अब क्या हुआ। इसके बाद वांगशी शू यांग को सारी बात बता देता है। शू यांग अपने सर में हाथ मारता है, मैंने पहले ही क्या कहा था और तुम क्या कर देते हो, लेकिन वांगशी कोई आंसर नहीं करता। शू यांग वांगशी के कंधे पर हाथ रखता है, कोई नहीं, तुम्हारी गलती भी नहीं है ब्रदर, लेकिन तुम्हें फिर भी चीज़ें थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन अब वांगशी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। शू यांग वांगशी की तरफ देखता है, छोड़ दो उसे। ये सुनते ही वांगशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह शू यांग की तरफ गुस्से में देखता है, नहीं। शू यांग बोलता है, तुमने कभी सुना है ऐसे प्यार करना, किसी इंसान को किडनैप कर लो और उससे कहो मुझसे शादी कर लो। लेकिन वांगशी फिर भी शू यांग की तरफ देखता है, नहीं। शू यांग बोलता है, इसीलिए तुम उसे किडनैप करने के बाद ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वह तुमसे प्यार करे या शादी करे, और जिस कोल्ड वॉइस में तुम उससे बातें कर रहे हो, डेफिनेटली वो तुमसे और थोड़ा पीछे होगा क्योंकि वह डर जाएगा। पहला, ये अकड़ू बनना बंद करो और उसे टाइम दो, वो क्या चाहता है और क्या नहीं, और थोड़ा प्यार से बात करो। अब इस वक्त में एक हफ्ता भी लग जाएगा, एक महीना भी, और एक साल भी। प्यार की चीज़ें प्यार से ही अप्रोच की जाती हैं, फोर्सफुल तरीके से नहीं। और जो तुमने करा, एक बार ध्यान से सोचो, क्या वह सच में सही है। अब हम लोग विंग को देखते हैं, जिसकी आंखें दोपहर को 2 बजे खुलती हैं, क्योंकि रात भर विंग को नींद नहीं आई थी। उसके दिमाग में बार बार रिपीट होकर वही चीज़ें चल रही थी जो कि वांगशी ने उसके साथ करा। विंग बस यहाँ पर इस वक्त यहाँ से निकलना चाहता था। वह सोच रहा था कि आखिर वह कहाँ फंस गया। इसके बाद वह बाथरूम में जाता है, नहाता है और अपने कपड़े चेंज कर नीचे जाता है। जब विंग नीचे जाता है तो उसे वहाँ पर वांगशी दिखाई देता है, लेकिन साथ में 2 पर्सन और भी हैं। उसमें से उसने एक को देखा है, लेकिन पता नहीं कौन है, और दूसरे को उसने पहले कभी भी नहीं देखा वो शाओशिन चैन और शू यांग थे। जब विंग और नज़दीक वहाँ जाता है, वह देखता है कि वांगशी के सामने एक पर्सन है जिसकी पिटाई काफ़ी बुरी तरीके से की गई है। उसके मुँह से ब्लड भी आ रहा है और उसके शरीर पर काफ़ी चोट है। विंग सोचता है, ये सब क्या है।
और वांगशी उस पर्सन को काफ़ी गुस्से में देख रहा है। शाओशिन चैन उस पर्सन के सीने पर हिट करता है, उसके मुंह से और ब्लड निकलता है और ये देख कर पिंग की आँखें बड़ी हो जाती हैं और मुंह पूरा खुला का खुला रह जाता है। फिंग के आते ही वांगशी विंग की तरफ मुड़ता है और विंग अपनी जगह पर वहीं रहता है। शाओशिन चैन बोलता है काम ख़त्म करो ना, और वह अपनी गन निकालता है और उस पर्सन को मार देता है। फिंग सोचता है यह सब क्या है, और अपने सामने इन चीज़ों को देख कर वह एकदम से बेहोश हो जाता है। वांगशी जल्दी से विंग की तरफ बढ़ता है, उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। शाओशिन चैन बोलता है इतनी सी बात पर ये बेहोश कैसे हो सकता है। शुएंग बोलता है हाँ, क्योंकि वह हमारी तरह माफिया से बिलोंग नहीं करता ना, और ना ही हमारी तरह मर्डर करता। और वह अपनी आंखें घुमाता है कि आखिर ये दोनों है क्या। शाओशिन चैन बोलता है लेकिन इतनी सी तो बात थी, और शुएंग शाओशिन चैन का हाथ पकड़ता है चलो तुम यहाँ से, और सोचता है कि दोनों ही अजीब हैं। जब विंग की आँखें खुलती हैं विंग देखता है कि वह फिर से रूम में कैसे आ गया, लेकिन जैसे ही वह बैठता है और उसकी नज़रें वांगशी पर जाती हैं उसे याद आता है कि इन्होंने कैसे उस पर्सन को मार दिया। वह थोड़ा सा पीछे होने वाला होता है, वांगशी उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग अपनी आँखें टाइटली बंद कर लेता है। वांगशी बोलता है हे डरो मत, और वांगशी विंग से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट वॉइस में बोलता है। फिंग अपनी आंखें खोलता है कि क्या उसने सही सुना, और वह वांगशी की तरफ देखता है जिसकी आंखें अब बिल्कुल भी कोल्ड नहीं लग रही थी, लेकिन विंग फिर भी थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। इसके बाद वांगशी विंग के लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता है, तुमने कुछ नहीं खाया है रात से, और वह अपने सर को नीचे करता है क्योंकि इसके लिए वह थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहा था, ये सब उसकी वजह से हुआ है। लेकिन विंग कोई आंसर नहीं करता। इसके बाद खाना आ जाता है, विंग बस खाने को देख रहा था, और वांगशी अपने हाथों से विंग को खिलाने लगता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, वांगशी बोलता है चुपचाप खाओ। इसके बाद वांगशी विंग को खाना खिलाता है, खाना खिलाने के बाद वह विंग के फेस को साफ करता है, और विंग बस चुपचाप वांगशी को देख रहा था कि इसमें किसी और की आत्मा आ गई क्या। इसके बाद वांगशी विंग को बताता है कि वह अपने कॉलेज को कंटिन्यू कर सकता है। ये सुनकर विंग थोड़ा सा खुश हो जाता है, और इसके बाद वह वांगशी को देखता है कि क्या वह अपने घर भी जा सकता है, और वांगशी एकदम से चिल्लाता है नहीं। ये सुनकर विंग डर जाता है, और वांगशी इस चीज़ पर ध्यान देते हैं उसने फिर से विंग को डरा दिया। वांगशी धीरे से विंग की तरफ बढ़ता है, उसके गाल पर अपना हाथ रखता है नहीं तुम यहाँ नहीं रह सकते क्या। विंग बोलता है पर प्रॉमिस मैं कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन विंग कोई आंसर नहीं करता। वांगशी अपनी आंखें टाइटली बंद करता है, गहरी सांस लेता है, इसके बाद आंखें खोलता है और विंग की तरफ देखता है। मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, ये सुनते ही विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग को इस चीज़ पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। विंग बोलता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि वैसे भी वो सिर्फ एक ही बार मिले थे और उसके बाद वांगशी ने उसे किडनैप कर लिया। वांगशी बोलता है पहली नज़र का प्यार नहीं सुना। फिंग बोलता है होता है लेकिन सिर्फ किताबों में, और वह अपनी आंखें घुमाता है, और वांगशी विंग का हाथ पकड़ लेता है लेकिन तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती, और वह फिर से कोल्ड वॉइस में बोलता है। फिंग फिर से चुपचाप से वांगशी को देखता है, वांगशी फिर से गहरी सांस लेता है और फिंग की तरफ देखता है। मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा प्रॉमिस, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी नई हैं मेरे लिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना या अपने फीलिंग्स को। फिंग बस हाँ में सर हिलाता है। वांगशी बोलता है मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। फिंग बोलता है लेकिन तुमने उस पर्सन को मार दिया था। वांगशी बोलता है हाँ, क्योंकि मैं एक माफिया हूँ, और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको मार दूँगा, और यहाँ पर सर्वाइवल के लिए एक ही काम होता है, मारो या मरो। ये सुनते ही विंग की आँखें बड़ी हो जाती हैं और वह बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। फिंग बोलता है तो फिर तुम मुझे भी। वांगशी एक हाथ से विंग का हाथ पकड़ता है और अपने दूसरे हाथ की फिंगर को विंग के होठों पर रखता है नहीं, मैं बस तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि शायद एक दिन मेरी फीलिंग्स को रिटर्न कर दोगी। और ये कहकर वांगशी वहाँ से चला जाता है। और वांगशी विंग को उसके अपार्टमेंट तो नहीं जाने देता, लेकिन उसे कॉलेज जाने की और उसे सारे काम करने की परमिशन देता है।
वांगशी बस विंग से दूर नहीं होना चाहता था। विंग के पेरेंट्स वैसे भी शंघाई में रहते हैं। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में चीज़ें सुधरती हैं। वांगशी के लिए काफ़ी मुश्किल था शुरुआत में किसी को अपनी बिल्कुल सॉफ्ट साइड दिखाना, लेकिन वह धीरे धीरे विंग के लिए अपने अंदर चेंजेस करता है। जैसा उसने कहा था कि वह विंग को अच्छे से ट्रीट करेगा, वह वैसे ही करता है। विंग के डिसीज़न की भी रिस्पेक्ट करता है। हालांकि वांगशी अभी भी कोल्ड वॉइस में कभी कभी बात कर लेता है, बहुत ज़्यादा जेलस होता है, लेकिन विंग को वांगशी को अब संभालना आ गया है। विंग को पहले वांगशी की किसी बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी उसने चीज़ों को टाइम दिया। हालांकि उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। और जैसे जैसे उसकी फ्रेंडशिप वांगशी से हुई, उसे समझ आया कि वांगशी इतना बुरा भी नहीं है, बट खुद को एक्सप्रेस करने में बहुत बुरा है। वांगशी विंग को वैसे ही वक्त देता है, जैसे कि शुयंग ने कहा था कि उस वक्त में हफ्ते भी लग जाएंगे, महीने भी और साल भी। और चीज़ें वैसे ही हुई थी। विंग ने खुद को धीरे धीरे वांगशी के साथ ओपन अप करा था, और वैसे ही वांगशी ने खुद को धीरे धीरे एक्सप्रेस करना सीखा। और लगभग अब एक साल हो जाएगा इन दोनों को ऐसे ही। विंग किचन में होता है और वांगशी घर आता है। विंग सोच रहा था कि आज वह कुछ अच्छा बनाए। वांगशी किचन में जाता है, लेकिन वह दरवाजे पर ही रुक जाता है और वहीं से वह विंग को देखने लगता है। लेकिन विंग किसी से फ़ोन पर भी बात कर रहा था। वह पर्सन विंग से पूछता है, तो फिर अब क्या करोगे? विंग बोलता है, यही तो समझ नहीं आ रहा। विंग बोलता है, शायद मैं उसे पसंद करता हूँ। हाँ सही में करता हूँ। वह पर्सन बोलता है, प्रॉब्लम क्या है? विंग बोलता है, समझ ही तो नहीं आ रहा, और बोलूँ कैसे? और वह अपने पैर को ज़मीन पर मारता है। वह अगर किसी और के पास हो, मेरा दिमाग ख़राब तब भी होता है। वह किसी और से बात करे, मेरा दिमाग ख़राब तब भी होता है। वांगशी अगर दिखाई ना दे, मेरा दिमाग ख़राब तब भी होता है। मुझे शायद सच में वांगशी से प्यार हो गया है, लेकिन बोलूँ कैसे? और ये सारी चीज़ें वांगशी भी सुन रहा था, और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि उसने जो सुना वह सही है। पीछे से वांगशी जाकर विंग को गले लगाता है। एकदम से पहले विंग फ्लिंच जाता है, लेकिन वह देखता है कि वांगशी है और वह शांत हो जाता है। वांगशी विंग के शोल्डर पर किस करता है। इसके बाद वांगशी बोलता है, बस प्यार से मेरी आंखों में देखकर बोल दो, आई लव यू। ये सुनते ही विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह पलटने वाला होता है, लेकिन वांगशी उसे ऐसा नहीं करने देता। वांगशी बोलता है, और साथ में एक डीप किस कर दो, और चाहो तो हमारे बीच और भी कुछ हो सकता है। ये सुनते ही विंग बोलता है, शेमलेस। और वांगशी सिर्फ चकल करता है, और वांगशी बोलता है, तुमने बना दिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ ये स्टोरी भी ख़त्म होती है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।